Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will be discussing Anglo-Maratha Wars. तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए, जिसको हम कहते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स. सो थ्री एंग्लो मराठा वॉर्स दे टुक प्लेस. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द रीजंस जिसकी वजह से ये वॉर्स हुए, और फिर जो आउटकम्स थे वो क्या थे इन वॉर्स के, और इन वॉर्स में बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ हुई थी. तो वो ट्रीटीज़ क्या थी, उन ट्रीटीज़ के प्रोविजंस क्या थे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. So it took place from 1775 to 1782. Now, सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या था जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ. तो आफ्टर द डेथ ऑफ माधव राव इन 1772, हिज ब्रदर नारायण राव सक्सीडेड हिम एज द फिफ्थ पेशवा. तो जैसे कि आप सबको पता है कि एक पेशवाशिप का जो सिस्टम था वो मराठास के एम्पायर में ये प्रिवेलेंट था. तो 1772 में जो पेशवा थे माधव राव, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके बाद उनको कौन सक्सीड करते हैं, हिज ब्रदर नारायण राव. लेकिन नारायण राव को उनके जो अंकल हैं रघुनाथ राव, वो उनको उनको मार देते हैं और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं. बट जो बाकी मराठा सरदार जो होते हैं वो उस चीज़ के साथ अग्री नहीं करते, क्योंकि लीगली अगर देखा जाए तो रघुनाथ राव वो नेक्स्ट पेशवा नहीं थे. तो उसके बाद क्या होता है कि जो नारायण राव होती हैं उनकी जो विडो होती हैं, शी गिव्स बर्थ टू अ सन. तो उनके जो सन होते हैं उनका, जिनका नाम है सवाई माधव राव, उनको नेक्स्ट पेशवा बनाया जाता है. अब जो रघुनाथ राव होते हैं, ही बिकम्स फ्यूरियस, और वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश के पास चले जाते हैं. तो वंस अगेन आई विल रिपीट, होता क्या है कि जब माधव राव की डेथ होती है तो उनको सक्सीड कौन करते हैं, नारायण राव. अब जो नारायण राव है उनको रघुनाथ राव मार देते हैं. ये जो रघुनाथ राव है, ही डेस्परेटली वॉन्टेड टू बिकम द पेशवा, बट उनको बनने नहीं दिया जाता. सो रघुनाथ राव क्या करते हैं, वो नारायण राव को मार देते हैं. बट नारायण राव की जो विडो होती है, शी गिव्स बर्थ टू अ सन, जिनका नाम क्या होता है, सवाई माधव राव. तो रघुनाथ राव की जगह अब किसको पेशवा बनाया जाता है, सवाई माधव राव को. तो अब रघुनाथ राव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो क्या करते हैं, वो जो ब्रिटिश होते हैं, इंग्लिश होते हैं, उनके पास वो चले जाते हैं, और उनके साथ क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत. तो ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में हुई थी, रघुनाथ राव के बीच में और इंग्लिश के बीच में. रघुनाथ राव अनविलिंग टू गिव अप हिज पोजीशन इन पार, क्योंकि वो खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं. सो रघुनाथ राव अनविलिंग टू गिव अप हिज पोजिशन इन पार सॉट हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश एट बॉम्बे एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775. तो आई जस्ट गिव यू अ वार्निंग इन द स्टार्टिंग ओनली, इसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रीटीज पढ़ेंगे. तो आई अग्री, एक बार में ट्रीटीज आपको नहीं याद हो सकती, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जैसे मैच द फॉलोइंग, ट्रीटी ऑफ सूरत किसके बीच में हुई थी, और कोई ट्रीटी वो किसके बीच में हुई थी. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो ट्रीटीज हैं किसके बीच में हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि इंक्लूडेड थी ट्रीटीज में, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. तो जो ट्रीटी ऑफ सूरत है वो रघुनाथ राव के बीच में और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके बीच में हुई थी. था क्या इसमें कि जो रघुनाथ राव ने क्या किया, उन्होंने टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बसीन, ये जो जगह थी इनकी जो टेरिटरीज थी वो इंग्लिश को दे दी थी, और जो एक दो जगह और थी, सूरत और बड़ौज, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी इनकी जो रेवेन्यूज थी
वो भी उन्होंने इंग्लिश को दे दी थी। और बदले में इंग्लिश ने रघुनाथ राव को क्या दिया था, 2500 सोल्जर्स, क्योंकि जो रघुनाथ राव थे वो तो मराठास जो थे, जो कि उनको पेशवा नहीं बनने दे रहे थे, ही वॉन्टेड टू फाइट अगेंस्ट देम ऑल। तो लड़ने के लिए उनको क्या मिल गए थे, 2500 सोल्जर्स। सो ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव और इंग्लिश के बीच में हुई थी, जिसमें इंग्लिश को क्या मिला था, टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बसीन एंड ऑल्सो पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत एंड बड़ौच डिस्ट्रिक्ट्स। और बदले में रघुनाथ राव को क्या मिला था, 2500 सोल्जर्स। नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत है, ये वॉरन हास्टिंग्स को, जो कि ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल में थे, उनको ये ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ सूरत है वो उनको पसंद नहीं आती। और वो ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो वॉरन हास्टिंग्स क्या करते हैं, उसको एनल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और एक नई ट्रीटी बनाई जाती है जो कि है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड इन 1776, किसके बीच में साइन हुई थी, कैलकटा काउंसिल और नाना फडणवीस, जो कि एक मराठा मिनिस्टर थे। अभी जो नाना फडणवीस थे, ये रघुनाथ राव के अगेंस्ट थे, वो सवाई माधव राव, जिनको पेशवा बनाया गया था, जो कि नारायण राव के सन थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो ये जो ट्रीटी है किसके बीच में हुई थी, नाना फडणवीस, जो कि एक मराठा मिनिस्टर थे, और कैलकटा काउंसिल के बीच में। तो ट्रीटी ऑफ सूरत को ख़त्म कर दिया जाता है और एक नई ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। अकॉर्डिंगली रघुनाथ राव वॉज गिवन अ पेंशन ओनली एंड सालसेट वॉज रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश। तो ट्रीटी ऑफ सूरत के अंडर जो सालसेट था वो किसको दिया गया था, ब्रिटिश को। तो वो चीज़ वैसे ही रहती है कि ठीक है, सालसेट जो है ब्रिटिश के पास ही रहेगा, बट जो रघुनाथ राव है उनको बस सिर्फ पेंशन दी जाएगी। बट द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट एट बॉम्बे वायोलेटेड दिस ट्रीटी एंड शेल्टर्ड रघुनाथ राव। तो ये जो ट्रीटी है वो तो कैलकटा काउंसिल के बीच में हुई है, बट जो ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट बॉम्बे में है वो इस ट्रीटी को वायोलेट कर देते हैं और रघुनाथ राव को दे प्रोवाइड शेल्टर। फिर क्या होता है कि इन 1777 नाना फडणवीस वेंट अगेंस्ट दिस ट्रीटी विद द कैलकटा काउंसिल एंड ग्रांटेड अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट टू द फ्रेंच। तो जो नाना फडणवीस है वो क्या करते हैं, वो फ्रेंच की हेल्प कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये जो ट्रीटी है वो वॉयलेट हो जाती है। इसकी वजह से जो इंग्लिश होते हैं वो दे बिकम रियली फ्यूरियस एंड एंग्री, और वो क्या करते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं बाय सेंडिंग अ फोर्स टूवर्ड्स पूना। तो पहले हमने पढ़ी थी ट्रीटी ऑफ सूरत, अब हमने पढ़ ली ट्रीटी ऑफ पुरंदर। सो नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ वॉर। द इंग्लिश एंड मराठा आर्मीज मेट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो वॉयलेट हो जाती है, तो फिर एक वॉर दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाता है, जो कि है एंग्लो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो दोनों आर्मीज हैं, इंग्लिश की और मराठास की, वो कहाँ पे मिलती हैं, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। द मराठा आर्मी वॉज कमांडेड बाय अ ब्रिलियंट जनरल नेम्ड महाजी सिंधिया, ऑल्सो नोन एज महाजी शिंदे। तो ये जो है कमांडर है, ये ब्रिटिश आर्मी को लीड करते हैं। द इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द मराठास एंड कट ऑफ फ्रॉम फूड एंड वाटर सप्लाईज। द इंग्लिश सराउंडेड बाय मिड जनवरी 1779। यस, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो कौन जीतते हैं, मराठास, दे विन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो जो ब्रिटिश है वो सरेंडर कर देते हैं इन मिड जनवरी 1779, और जो ट्रीटी वो साइन होती है वो है ट्रीटी ऑफ वडगांव, दैट फोर्स्ड द बॉम्बे गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश सिंस 1775। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव के अंडर जो भी बॉम्बे गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो भी टेरिटरीज एक्वायर करी थी सिंस 1775, वो उनको अब वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ साल्बाई। तो एक पहले रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रीटी ऑफ सूरत पढ़ा, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, फिर ट्रीटी ऑफ वड़गांव, एंड नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ साल्बाई। तो ये जो चारों ट्रीटीज हैं किससे रिलेटेड हैं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के साथ।
So Warren Hastings, the Governor General in Bengal, rejected the Treaty of Wadgaon and sent a large force of soldiers under Colonel Goddard. तो ये जो वॉरेन हास्टिंग्स है वो ट्रीटी ऑफ वडगांव को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर एक नई ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई. इट वॉज रेटिफाइड बाई हास्टिंग्स इन जून 1782 एंड फेडनविस इन फेब्रवरी 1783. तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है और इसके अंडर क्या होता है कि द ट्रीटी गारंटेड पीस बिटवीन द टू साइड्स फॉर 20 ईयर्स. तो इस ट्रीटी के अंडर जो है ब्रिटिश और मराठास के बीच में पीस एस्टैब्लिश होता है फॉर 20 ईयर्स. तो दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. तो इसमें हमने चार ट्रीटीज पढ़ी है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई. तो आपको याद रखना है कि कौन सी ट्रीटी किसके साथ हुई थी. सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. सो कैसे स्टार्ट हुआ था, रघुनाथ राव जो होते हैं वो क्योंकि उनको पेशवाशिप नहीं मिलती तो वो जाके ब्रिटिश के साथ अलायंस बना लेते हैं और ऐसे ही फिर जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है वो वॉयलेट कर दी जाती है, जिस वजह से जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है इट टेक्स प्लेस. द मेन ओके सो वी विल ऑल्सो डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ सालबाई. तो ये जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है इसके अकॉर्डिंग एक तो हमने देख लिया कि पीस एस्टैब्लिश होता है दोनों साइड्स के बीच में. उसके अलावा सालसेट शुड कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ इंग्लिश. सालसेट जो कि ट्रीटी ऑफ सूरत के अंडर मिला था ब्रिटिश को, वो अभी भी इट विल कंटिन्यू इन द पोजेशन ऑफ इंग्लिश. The whole of the territory conquered since the Treaty of Purandar, including Basin, should be restored to the Marathas. तो सालसेट तो इंग्लिश के पास रहेगा लेकिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करी हैं वो मराठास को वापस कर दी जाएंगी. इन गुजरात फतेह सिंह गायकवाड शुड रिमेन इन पोजेशन ऑफ द टेरिटरी विच ही हैड बिफोर द वॉर एंड शुड सर्व एज द पेशवा एज बिफोर. द इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट टू रघुनाथ राव. तो इंग्लिश अब रघुनाथ राव को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते एंड द पेशवा शुड ग्रांट हिम मेंटेनेंस अलाउंस. तो जो भी उसको मेंटेनेंस अलाउंस देना है वो कौन देगा, पेशवा देगा. नेक्स्ट इज हैदर अली शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरी टेकन फ्रॉम द इंग्लिश एंड द नवाब ऑफ आरकोट. द इंग्लिश शुड इंजॉय द प्रिविलेजेस एज एट ट्रेड एज बिफोर. द पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी यूरोपियन नेशन. तो जैसे कि पहले जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉयलेट हुई थी जब पेशवा ने किसको सपोर्ट किया था, फ्रेंच को. तो अब इस ट्रीटी के अंदर, ट्रीटी ऑफ सालबाई के अंदर ये था कि अब पेशवा जो है वो किसी भी और यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते. द पेशवा एंड द इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल अलाइज शुड रिमेन एट पीस विद वन अनदर. तो ये भी एक अलग प्रोविजन था. लास्ट इज महाजी सिंधिया शुड बी द म्यूचुअल गारंटर फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी. तो इनको एक तरह से बीच के ऑब्जर्वर रख दिया गया था, वो हु विल टेक केयर दैट वेदर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी दे आर यू नो ओबेड बाय बोथ द साइड्स और नॉट. सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. Now we will discuss a second Anglo-Maratha war which took place from 1803 to 1805. So first the background. The second Anglo-Maratha war started in circumstances similar to those of the first. After Peshwa Madhav Rao Narayan committed suicide in 1795, Bajirao II, the worthless son of Raghunath Rao, becomes the Peshwa. अब जो पिछले Peshwa थे उन वो suicide commit कर लेते हैं और रघुनाथ राव के जो बेटे हैं बाजीराव टू, नाउ ही बिकम्स द पेशवा. पर ये जो बाजीराव टू होते हैं ही इज नॉट लाइक्ड बाय नाना फडणवीस. नाना फडणवीस जो कि हमने पीछे पढ़ा था, जो कि एक मराठा मिनिस्टर थे, तो उनको बाजीराव टू जो है वो पसंद नहीं होते.
तो क्या होता है कि एक तरह से एक इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है मराठास के बीच में, वो स्टार्ट हो जाते हैं. द डिसेंशंस अमंग द मराठास प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर और टू इंटरवीन इन द मराठा अफेयर्स. और उसके बाद क्या होता है कि नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है. तो बेसिकली क्या एक रीज़न बन जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का, एक तो नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है और दूसरा ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं मराठास के बीच में, तो वो एक तरह से ब्रिटिश को अपॉर्चुनिटी देते हैं. एक जो सुप्रीमेसी है वो मराठास के ऊपर सुप्रीमेसी बनाने की. कोर्स ऑफ वॉर. एट द टाइम द मराठा कन्फेडरेसी कंसिस्टेड ऑफ फाइव मेजर चीफ्स. तो मराठास का जो ये पूरी फैमिली, तो उसमें पांच मेजर चीफ्स होते हैं. पहला तो है पेशवा एट पुणे, गायकवाद एट बड़ौदा, होलकर्स एट इंदौर, सिंधिया एट ग्वालियर एंड भोंसले एट नागपुर. तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पेशवा कहाँ पे, पूना में, गायकवाद कहाँ पे, बड़ौदा में, होलकर्स कहाँ पे, इंदौर में. तो ये आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसको लेके. सो लेट्स कंटिन्यू. तो पांच मेजर जो चीफ्स थे मराठास के वो ये थे. इन द बैटल ऑफ पूना इन 1802, यशवंत राव होलकर द चीफ ऑफ होलकर्स ऑफ इंदौर डिफीटेड द पेशवाज एंड द सिंधियाज. तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो मराठास के बीच में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो होता यह है कि जो होलकर के चीफ हैं वो किसको डिफीट करते हैं, पेशवा को और सिंधियाज को. बाजीराव टू सॉट ब्रिटिश प्रोटेक्शन एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ बसीन विद देम. तो बाजीराव टू जो पेशवा बन जाते हैं, जो कि किसके सन थे, रघुनाथ राव के, तो वो जाके ट्रीटी ऑफ बसीन कर लेते हैं किसके साथ, ब्रिटिश के साथ. तो ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में हुई, बाजीराव टू के बीच में और ब्रिटिश के बीच में. और वो कौन से मराठा वॉर के साथ रिलेटेड है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. सो नाउ वी विल स्टडी ट्रीटी ऑफ बसीन में क्या था. अंडर द ट्रीटी द पेशवा अग्रीड टू रिसीव फ्रॉम अ कंपनी अ नेटिव इन्फेंट्री विद द यूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी एंड यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच्ड टू बी परमानेंटली स्टेशन इन हिज टेरिटरीज. तो बेसिकली एक सब्सिडरी अलायंस शुरू हो गया था इस टाइम से. तो सब्सिडरी अलायंस वैसे तो एक काफ़ी वाइड टॉपिक है दैट वी विल बी कवरिंग इन अपकमिंग क्लासेस. तो एक ब्रीफ में आई कैन टेल यू कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर ब्रिटिश ने क्या करना शुरू कर दिया था, कि वो क्या करते थे कि अपनी एक आर्मी, जो भी वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करते थे वहां पे वो अपनी एक जो आर्मी है उसको वहां पे मेंटेन कर देते थे. तो एक तरह से क्या होता था कि उनकी एक तरह से पूरा वो कैप्चर कर लेते थे हर चीज. एक जो भी, जैसे यहाँ पे जो पेशवा को, उन्होंने पेशवा के साथ ट्रीटी कर ली, तो उन्होंने पेशवा को क्या बोल दिया कि वो एक अपनी उनकी जगह पे का क्या होएगी, एक ब्रिटिश की तरफ से एक आर्मी वहां पे रहेगी. तो उस वजह से एक ब्रिटिश क्या होता है कि एक हमेशा के लिए उनकी नजर रहेगी उस चीज पे. तो इनडायरेक्टली एक पूरी जो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो, एक जो पावर होती है इनडायरेक्टली कब्जा कर लेते हैं ब्रिटिश. टू सीड टू द कंपनी टेरिटरीज यील्डिंग एन इनकम ऑफ ₹26 लाख, टू सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत, टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन द निजम्स डोमिनियंस, टू एक्सेप्ट द कंपनीज आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड द निजम और द गायकवाद, नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस और एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश. तो वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर, एक तो वो जो ब्रिटिश है वो अपनी आर्मी वहां पे, जो भी एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया है वहां पे, एक तो उन्होंने अपनी आर्मी वहां पे स्टेशन कर दी. उसके अलावा जो भी वो स्टेट है उसके रूलर को ये भी बोल दिया जाता था कि कोई भी और यूरोपियन नेशन, चाहे फ्रेंच हो, डच हो, कोई भी हो, उनके साथ आपको कोई भी वास्ता नहीं रहेगा. सो बेसिकली एक इनडायरेक्ट पावर जो है वो कैप्चर कर लेते थे. टू सब्जेक्ट हिज रिलेशंस विद अदर स्टेट्स टू द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश.
तो ये आफ्टर द तो ये था सारा ट्रीटी ऑफ साल्वे में, ये सारी चीजें थी। सो आफ्टर द पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस, सिंधिया एंड भोंसले अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस। तो अब ये जो एक तरह से सब्सिडरी अलायंस जो हो जाता है, ठीक है, तो ये जो सिंधिया और भोंसले, जो हमने पहले देखा कि जो मराठा फैमिलीज थी, मराठा चीफ्स थे, तो ये क्या करते हैं कि इनको समझ में आ जाता है कि अगर सब्सिडरी अलायंस हो गया तो एक तरह से इनडायरेक्टली सारी पार कैप्चर कर ली है ब्रिटिश ने, तो वो एक अटेम्प्ट करते हैं मराठा इंडिपेंडेंस को बचाने का। बट द वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ द इंग्लिश अंडर आर्थर वेल्सली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ सिंधिया एंड भोंसले एंड फोर्स्ड देम टू कंक्लूड सेपरेट सब्सिडरी ट्रीटीज विद द इंग्लिश। बट वो इस चीज में ब्रिटिश को जो है वो हरा नहीं पाते। द होलकर्स ऑल्सो ज्वाइंड द बैटल अगेंस्ट द इंग्लिश एट अ लेटर स्टेज। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसका मेन रीजन क्या बन जाता है, ये जो सब्सिडरी अलायंस करते हैं बाजीराव टू जो कि उस टाइम के पेशवा थे, वो जो सब्सिडरी अलायंस को अग्री करते हैं इंग्लिश के साथ, वो एक मेन रीजन बन जाता है। और सब्सिडरी अलायंस की वजह से जो फिर ये जो सिंधियाज, भोंसले और होलकर्स हैं वो लड़ते हैं इंग्लिश के साथ, तो इनके बीच में होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बट इन दी एंड मराठाज दे आर डिफीटेड। अब रिजल्ट क्या निकलता है इसका, ऑल द मराठा फोर्सेज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन दीज बैटल्स, द सिंधियाज साइंड द ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव। तो सिंधियाज उसमें इन्वॉल्व थे, उनको कौन सी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, सुरजी अंजन गांव, जिसके अंडर काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज उनको ब्रिटिश को देनी पड़ती है। नेक्स्ट इज द भोंसलेस साइंड द ट्रीटी ऑफ देव गांव, जिसके अंडर एज पर विच द इंग्लिश एक्वायर्ड कटक, बालासोर एंड एरिया वेस्ट ऑफ वर्धा रिवर। नेक्स्ट इज होलकर्स, वो कौन सी ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, जिसके अंडर वो काफ़ी ज़्यादा वही एरियाज ब्रिटिश को दे दिए जाते हैं। तो सिंधियाज साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव, भोंसलेज साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ देव गांव, और होलकर्स साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो ये सारी ट्रीटीज होती हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो जैसे कि हमने देखा कि इन सारी ट्रीटीज के अंडर कुछ थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज हैं वो अब ब्रिटिश के अंडर आ जाते हैं। तो टोटल में अगर देखा जाए तो लार्ज पार्ट्स, काफ़ी ज़्यादा एरिया, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स सेंट्रल इंडिया के अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसीन। तो ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। किसके बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन, ये जो बाजीराव टू थे उन्होंने ये ट्रीटी करी थी इंग्लिश के साथ। सो एडमिटेडली द ट्रीटी वॉज साइंड बाय अ पेशवा हु लैक्ड पोलिटिकल अथॉरिटी, बट द गेन्स मेड बाय द इंग्लिश वर इमेंस। द प्रोविजन ऑफ कीपिंग इंग्लिश ट्रूप्स परमानेंटली इन मराठा टेरिटरी वॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट। तो पहले अगर आपको वो जो सब्सिडरी अलायंस मैंने समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि ये जो ट्रीटीज थी जिसके अंडर एक सब्सिडरी अलायंस किया था ब्रिटिश ने, तो वो स्ट्रैटेजिकली बेनिफिशियल था, क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, वो एक अपनी आर्मी थी वो वहाँ पे स्टेशन कर देते थे अपनी ब्रिटिश की आर्मी। तो अब अगर वहाँ का जो कोई भी स्टेट है, सपोज पेशवा के वहाँ ब्रिटिश ने अपनी आर्मी वहाँ पे स्टेशन कर दी, अब अगर कोई भी वॉर होता है, कोई भी अगर लड़ाई शुरू होती है, तो उसको कौन देखेगा, पेशवा के पास, खुद के पास तो कोई अपनी आर्मी रही नहीं, क्योंकि अब तो वो जो भी काम करेगी कौन करेगी, ब्रिटिश आर्मी करेगी। तो सारे जो भी स्ट्रैटेजिकली जो बेनिफिट थे वो किसको मिल जाते हैं, ब्रिटिश को। सारी जो पावर है, कैसे लड़ना है, किसके साथ लड़ना है, तो सारा एक मिलिट्री पार किसके हाथ में आ गई थी, ब्रिटिश के हाथ में। दो द टेरिटरी ऑफ बसीन डिड नॉट हैंड ओवर इंडिया टू द कंपनी ऑन अ प्लेटर, इट वॉज अ मेजर डिवेलपमेंट इन दैट डायरेक्शन। द कंपनी हैज नाउ वेल प्लेस्ड टू एक्सपैंड इट्स एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सर्कमस्टांसिस द ऑब्जर्वेशन द ट्रीटी
gave the English the key to India may be exaggerated but appears understandable. तो ये जो ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ बसीन इसको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं द ट्रीटी विच गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया, क्योंकि इसके इस ट्रीटी के अंडर काफ़ी ज़्यादा जो गेन्स थे द ब्रिटिश देवर दे इमेंसली गेन्ड अ लॉट अंडर दिस ट्रीटी. सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसीन. तो ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. कैसे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, रिजल्ट क्या थे, ट्रीटीज क्या थी, वो सारा आपको याद रखना है. नाउ द लास्ट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर विच टुक प्लेस फ्रॉम 1817 टू 1819. फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड, द पिंडारीज मेड अप ऑफ मेनी कास्ट एंड क्लासेज वर अटैच्ड टू मराठा आर्मीज एज मर्सिनरीज. तो इसका जो मेन रीज़न है एक क्विक रिविजन करते हैं. जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था उसका रीज़न क्या था, रघुनाथ राव, उनको क्योंकि पेशवाशिप नहीं मिलती तो वो ब्रिटिश के साथ जाके क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं, ठीक है. तो उस वजह से वो आगे चीज़ें बढ़ती बढ़ती ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, फिर वो जब वॉयलेट होती है तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है. जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है वो क्यों होता है, सब्सिडरी अलायंस की वजह से, क्योंकि जो बाजीराव टू जो पेशवा है वो ब्रिटिश के साथ क्या कर लेते हैं, सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं. उस वजह से होलकर्स, सिंधियाज और भोंसले वो मिलकर ब्रिटिश के साथ क्या करते हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. अब है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसका मेन रीज़न क्या है, पिंडारीज. तो पिंडारीज कौन है, द पिंडारीज मेड अप ऑफ मेनी कास्ट एंड क्लासेस वर अटैच्ड टू मराठा आर्मीज एज मर्सिनरीज. तो मर्सिनरीज क्या होते हैं, बेसिकली एक सोल्जर्स होते हैं. तो ये जो पिंडारीज थे वो मराठा आर्मीज के साथ जुड़े हुए थे. लेकिन जब मराठा एम्पायर वीक हो जाता है, क्योंकि इतने वॉर्स हुए, पहला तो वो जीत गए थे लेकिन दूसरा वो हार जाते हैं, तो मराठास क्योंकि काफी वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से पिंडारीज को रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती. उनका मेन काम क्या था, मराठा आर्मीज में वो थे, ठीक है. लेकिन जब मराठास ही वीक हो गए तो लड़ने को तो कुछ है नहीं, तो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो चली जाती है. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस दे स्टार्टेड प्लंडरिंग नेबर टेरिटरीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कंपनी. तो वो इधर उधर प्लंडरिंग वगैरह वो शुरू कर देते हैं. द इंग्लिश चार्ज्ड द मराठास विद गिविंग शेल्टर टू द पिंडारीज. तो इधर उधर वो प्लंडरिंग शुरू कर देते हैं, कंपनी की जो टेरिटरीज होती है वहाँ पे भी प्लंडरिंग शुरू कर देते हैं. तो जो कंपनी है वो क्या करती है, वो मराठास के ऊपर ये चार्जेस लगाती हैं दैट यू आर गिविंग शेल्टर टू द पिंडारीज. वो पिंडारीज जो हमारी टेरिटरीज में प्लंडरिंग कर रहे हैं उनको आप शेल्टर दे रहे हो. तो ये चार्जेस जो है इंग्लिश लगाती है मराठास के ऊपर. लॉर्ड हास्टिंग्स एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वर सीन एज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ द सुवरेनिटी ऑफ द मराठास. दे सर्व्ड टू वंस अगेन यूनाइट द मराठा कन्फेडरेसी. तो जो लॉर्ड हास्टिंग्स है वो पिंडारीज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो एक्शन वो लेते हैं, और उसकी वजह से जो मराठास हैं उनको ये लगता है कि ये तो हमारी सुवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा उनको यू नो दे गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस थिंग. तो अ रेपिटेंट बाजीराव टू मेड अ लास्ट बिड. तो बाजीराव टू अब एक लास्ट, पहले तो उन्होंने ब्रिटिश के साथ ही ट्रीटी करी, अब वो एक फाइनल यू नो एक ट्राई करते हैं मराठा चीफ्स को इकट्ठा करके कि लेट्स कि ये जो ब्रिटिश है ये तो बिल्कुल ही हमारी सुवरेनिटी को जो है वो उन्होंने बिल्कुल ही यू नो छीन लिया है. तो वो एक फाइनल अटेम्प्ट करते हैं इन ऑर्डर टू सेव द मराठा एम्पायर by rallying together the Maratha chiefs against the English in the course of third Anglo-Maratha war. तो एक पिंडारी से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं. तो रिजल्ट क्या निकलता है, द पेशवा वॉज डिफीटेड एट खिड़की, भोंसले एट सीताबुल्दी एंड द होलकर एट महिदपुर. तो ये कौन लड़ता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा उनके साथ भोंसले और होलकर सारे मिलके ये एक फाइनल अटेम्प्ट करते हैं मराठा एम्पायर को बचाने का, बट दे आर डिफीटेड. सम इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज वर साइंड, दीज वर द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर वॉज साइंड इन 1817 बिटवीन शिंदे एंड द ब्रिटिश. Even though he had not been involved in the war, as per this treaty, Shinde gave up Rajasthan to the British. तो ये एक treaty होती है, treaty of Gwalior.
Next is the Rajas of Rajputana remained the princely states till 1947 after accepting British sovereignty. The Treaty of Mandasore was signed between the British and the Holkar chief. Holkars are British ke chief, British ke beech mein hoti hai. Treaty of Mandasore. An infant was placed on the throne under British guardianship. द पेशवा सरेंडर्ड इन 1818. तो जो पेशवा है बाजीराव टू वो सरेंडर कर देते हैं. ही वॉज डी थ्रोन्ड एंड पेंशन्ड ऑफ टू अ स्मॉल स्टेट इन बिथोर नियर कानपुर. मोस्ट पार्ट्स ऑफ हिज टेरिटरीज बिकेम पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेजिडेंसी. हिज अडॉप्टेड सन नाना साहेब बिकेम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट कानपुर. द टेरिटरीज एनेक्स्ड फ्रॉम द पिंडारीज बिकेम द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश इंडिया. तो एक तरह से सब कुछ ही खत्म हो जाता है. मराठास की जो पार है बिल्कुल वो चली जाती है. पेशवा का ये जो इंस्टीट्यूशन है वो भी खत्म हो जाता है और बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी जो टेरिटरीज है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाती हैं. दिस वॉर लेड टू द एंड ऑफ मराठा एम्पायर. एंड हो जाता है बिल्कुल मराठा एम्पायर का. ऑल द मराठा पार्ट्स सरेंडर्ड टू द ब्रिटिश. एन ऑब्सक्योर डिसेंडेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी वॉज प्लेस्ड एट द सेरिमोनियल हेड ऑफ द मराठा कन्फेडरेसी एट सतारा. दिस वॉज वन ऑफ द लास्ट मेजर फाइट्स फॉट एंड वन बाय द ब्रिटिश. With this, the British controlled most parts of India bearing Punjab and Sindh directly or indirectly. तो ये जो एक तरह का लास्ट मेजर वॉर है जो ब्रिटिश लड़ते हैं, इस वॉर तक जो है ब्रिटिश ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की ऑलमोस्ट सारी टेरिटरीज पंजाब और सिंध को छोड़ के सारे उनके अंडर आ जाती हैं, चाहे इनडायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. सो दिस वॉज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. तो ये तीन वॉर्स थे. तो ये जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, जो मुश्किल आएगी आपको ट्रीटीज़ याद रखने में, ट्रीटीज़ किसके बीच में हुई, उसके प्रोविजंस क्या थे. बट ट्रस्ट मी व्हेन यू विल यू नो कीप ऑन रिवाइजिंग दीज तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएंगी. सो नाउ वी विल लुक एट वन सैम्पल MCQ. Which one of the following was the result of the first Anglo-Maratha war? The British won the war, the Marathas won the war. There was no victory for either side. It helped Hyder Ali to gather strength because the British and Marathas were engaged in mutual war. तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. वी ऑल नो इसमें द आंसर इज बी, द मराठाज वन द वॉर. तो दिस क्वेश्चन आई अग्री इट्स रियली सिंपल, बट काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि हमने पहले देखा कि ये मैच द फॉलोइंग्स जैसे क्वेश्चंस आते हैं. ट्रीटी लिखी होती है और दूसरी साइड पे ऑप्शन होता है कि ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, या फिर ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर इंक्लूडेड इन द ट्रीटी ऑफ सालबाई फॉर एग्जाम्पल. तो वो आपको मेन मेन जो प्रोविजंस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे. So this was all about Anglo-Maratha wars. I hope it is clear to you all. Thank you very much.